गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरे पास इस समय नीट का जीवन कोड का पेपर है, नीट 2020 का, जो आज आप लोग दिए हैं, एग्जाम दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सबका पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर जो हम लोग देखे हैं वो पेपर मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, और आपने भी देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन लाइन से थे एनसीईआरटी के। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज इसके ऊपर बात करेंगे, और जो जूलॉजी सेक्शन है उस जूलॉजी सेक्शन का सोल्यूशन पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले इस जीवन कोड में जो क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 की बात करें, तो अगर हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में दिया है मैच द फॉलोइंग डिजीज विच द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ये कि इसमें दो कॉलम है, एक कॉलम में क्या है डिजीज का नाम है और दूसरे में कॉजेटिव एजेंट्स के नाम है, हमें बताना है कि इसमें से सही क्या है। तो चलो एक काम करते हैं, दोनों कॉलम को लिख लेते हैं और लिखने के बाद देख लेते हैं कि इसमें सही कौन सा है। तो देखो सबसे पहले है कॉलम फर्स्ट। कॉलम फर्स्ट में क्या है, टाइफाइड है। उसके बाद ए में टाइफाइड, बी में है न्यूमोनिया, और इसके बाद सी में है फाइलेरियासिस, और डी में है मलेरिया। डी में क्या है, मलेरिया। इसी तरह से कॉलम सेकंड की बात किया जाए तो जो कॉलम सेकंड में आप देखेंगे फर्स्ट में वुचेरिया, सेकंड में दिया हुआ है प्लाज्मोडियम, और इसके बाद हम अगर बात करें थर्ड का तो थर्ड में है साल्मोनेला, और इसके बाद अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में है हीमोफिलस। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें मैच करा करके और देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो फर्स्ट दिया हुआ है यानी ए टाइफाइड की बात करें, तो आप लोगों को पता है साल्मोनेला टाइफाइड से होता है, तो इसका जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, साल्मोनेला। सेकंड डिजीज की बात करें जिसको हम लोग न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया की अगर आप बात करें तो न्यूमोनिया का जो करेक्ट है आप सभी जानते हैं न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया हो जाएगा हीमोफिलस के साथ। और उसके बाद अगर हम बात करें फाइलेरिया का, तो फाइलेरिया जो होगा वो किसके साथ होगा, वुचेरिया के साथ होगा। और मलेरिया की बात करें तो मलेरिया हम सभी जानते हैं प्लाज्मोडियम से होता है, किससे होता है, प्लाज्मोडियम से, तो टाइफाइड। इसके बाद अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें जो सही करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। तो आप देखें इसमें जो पहला ऑप्शन है, पहला फर्स्ट ऑप्शन जिसमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ए के लिए थर्ड, बी के लिए फोर्थ, और सी के लिए फर्स्ट, और डी के लिए सेकंड। तो आप देख सकते हैं ए की मैचिंग किसके साथ है, ए का थर्ड के साथ है, बी का किसके साथ है, बी का फोर्थ के साथ है, और सी का किसके साथ है, फर्स्ट के साथ है, और मलेरिया का किसके साथ है, प्लाज्मोडियम के साथ। यानी जो डी है वो किसके साथ मैच हो रहा है, डी वाला जो मैच हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, प्लाज्मोडियम यानी सेकंड के साथ। तो हमारा जो सही आंसर है वो जीवन कोड में जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसका सही आंसर होगा वो हमारा होगा फर्स्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है जिसमें जो कॉलम है वो मैच है। आप एक बार और देख लीजिए, मैंने कहा कि जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या है, ए थर्ड के साथ, आप देखें ए थर्ड के साथ, इसके बाद में जो बी है बी किसके साथ, फोर्थ के साथ, जो सी है सी किसके साथ, फर्स्ट के साथ, और डी है डी किसके साथ, सेकंड के साथ। तो इस तरह से ये आंसर जो हमारा होगा वो फर्स्ट वाला सही होगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 61 की बात करेंगे। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, तब तक आप सुनिए। क्वेश्चन है मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट्स इज कंप्लीटेड, सेकेंडरी ओसाइट्स का मियोटिक सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होता है, ठीक है, इज कंप्लीटेड। तो अगर हम ओजेनेसिस नॉर्मली देखें तो क्या होता है, नॉर्मली ओजेनेसिस में क्या होता है, ओवरी में
ओवरी में जर्मिनल इपिथीलियम है, जर्मिनल इपिथीलियम, जो जर्मिनल इपिथीलियम होता है उसका मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन होता है, एमएम फॉर मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन। इस मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन से क्या होता है, ढेर सारी उगोनिया बनती है। इस उगोनिया में से किसी एक का ग्रोथ होता है और ग्रोथ के बाद क्या बनेगा, प्राइमरी ओसाइट्स बनेगा। हम लोग इसको क्लास में डिटेल देखे थे, आपको याद होगा जिस समय मैंने बताया था कि बर्थ के टाइम में ये जो है कितने उगोनिया हमें मिलते हैं। फिर हमने बताया था कि जिस समय प्यूबर्टी आती है उस समय प्राइमरी ओसाइट्स किस स्टेज में अरेस्टेड होता है, ये सब बहुत डिटेल हम लोग चर्चा किए थे जब यूजेनेसिस के ऊपर बात किए थे। अभी वहां से कोई मतलब नहीं, अभी सीधे सीधे हमको यूजेनेसिस देखना है और यहां पर हमें जवाब मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब आप देखिए, जो प्राइमरी ओसाइट्स बना, ये प्राइमरी ओसाइट्स मियोटिक फर्स्ट डिवीजन को जाते हैं। प्राइमरी ओसाइट्स का जब मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होगा तो यहां पे दो सेल बनेगा, एक बड़ा एक छोटा। आप जानते हो इस बड़े वाले को सेकेंडरी ओसाइट्स कहते हैं और ये डिवीजन अनइक्वल है। कैसा डिवीजन है, अनइक्वल। कैसा डिवीजन है, अनइक्वल है, और इसे हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब देखो, जो मियोटिक फर्स्ट डिवीजन है, मियोटिक फर्स्ट डिवीजन, याद होगा आपको हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो ओवरी है, ओवरी में ओव्यूलेशन से पहले, ओव्यूलेशन से पहले आप याद करो, यहां एग्नेस्ट है, यहां प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि यहां पर जो ग्रेफियन फॉलिकल होगा वो रप्चर होगा, सेकेंडरी ओसाइट्स क्या होती है, बाहर आती है, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। तो यहां पर जो आप देख रहे हो ग्रेफियन फॉलिकल, इसके अंदर जो प्राइमरी ओसाइट्स होती है वो ओव्यूलेशन से पहले इसका मियोटिक फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। यानी ये वाला प्रोसेस कब हुआ है, ये वाला प्रोसेस हुआ ओव्यूलेशन से पहले। लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है, यहां मियोटिक फर्स्ट की बात नहीं, मियोटिक सेकंड की बात नहीं, यहां पे पूछ रहा है मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होगा, यानी कब जा करके मियोटिक सेकंड कंप्लीट होगा। आप जानते हैं दो भाग में बटा हुआ, मियोटिक फर्स्ट और मियोटिक सेकंड। तो फर्स्ट कहां हुआ, फर्स्ट ओव्यूलेशन से पहले हुआ, कहां हुआ, ओव्यूलेशन से पहले। और सेकंड कब हो रहा है, तो आपको पता है सेकंड कब होगा, जब स्पर्म आएगा और स्पर्म आकर के क्या करेगा, अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियल इसको देगा। याद है ना, स्पर्म का स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े थे प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि स्पर्म का जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो जो है सेकेंडरी ओसाइट्स यूज करती है और तब इसका मियोटिक सेकंड डिवीजन होता है। और अब ये गई मियोटिक सेकंड डिवीजन को, कहां गई, मियोटिक सेकंड डिवीजन को। अब मियोटिक सेकंड डिवीजन के बाद यह डिवीजन जो होगा यह भी अनइक्वल होगा, और यहां पर देखिए अब सेकेंड पोलर बॉडी बनता है और ओटिड बनती है, बाद में इसी से ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो अब आप बात को समझिए, यानी कि जब स्पर्म आएगा, स्पर्म के आने के बाद जब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मिला, किसको मिला, सेकेंडरी ओसाइट्स को, तो उसके बाद उसका मियोटिक सेकंड डिवीजन कंप्लीट होता है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। तो अब आप देखो यहां पे जो दिया हुआ ऑप्शन उसकी बात करें, तो यहां पे जो मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट्स इज कंप्लीटेड, तो सेकेंडरी ओसाइट्स के मियोटिक डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इसकी बात कर रहा है। तो पहला, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, नहीं साहब, जाइगोट बनने के बाद सेकेंडरी ओसाइट्स का डिवीजन क्यों होगा, हा या ना। और तीसरा, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवा, तो आप देखें यहां पे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है किसका, स्पर्म और ओवा का, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दे रहा है, और उस समय क्या हो रहा है, उस समय इसका मियोटिक सेकंड डिवीजन कंप्लीट हो रहा है। यानी सेकेंडरी ओसाइट्स का मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। तो हमारा जो सही जवाब है, इसको मिटा रहे हैं, जो हमारा सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। समझ में आई बात या नहीं आई। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमारा था 61, कौन सा था, 61, और 61 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो थर्ड होगा। थर्ड आंसर क्या होगा, सही होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत। इसके बाद अगर हम बात करें तो 62 नंबर जो क्वेश्चन है वो एकदम ही आसान क्वेश्चन है, आप देखेंगे वो सीधा सीधा है और एनसीईआरटी के लाइन से है। क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है बाय विच
मेथड विच मेथड वॉज अ न्यू ब्रीड हिसार डेल ऑफ सीप फॉर्म्ड बाय यूजिंग बीकानेरी हिप्स एंड मरीनो रैम्स बीकानेरी एंड मरीनो रैम्स। तो ये हम लोगों को पता है कि ये क्रॉस ब्रीड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल? ये क्रॉस ब्रीड का एग्जाम्पल है और सीधे एनसीईआरटी के लाइन में दिया हुआ है, आप देखेंगे तो हमारा जवाब इसमें जो होगा वो सीधे सीधे जो सेकंड वाला होगा वो होगा, यानी कौन सा होगा? क्रॉस ब्रीडिंग। क्या होगा? क्रॉस ब्रीडिंग। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग का जवाब हुआ क्रॉस ब्रीडिंग। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द इंफेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर्स द ह्यूमन बॉडी इच। बोल रहा है कि ह्यूमन के बॉडी में प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज इंटर करता है। तो चलो बाबू हम लोग इसको देखते हैं, ह्यूमन के बॉडी में कौन सा स्टेज है प्लाज्मोडियम का जो इंटर करता है। तो चलिए आप याद करो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। एसेक्सुअल लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का हम लोग क्या देखे हैं? हम लोगों ने देखा है कि जब कोई इंफेक्टेड फीमेल एनोफिलिस किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो बाइट करती है तो सलाइवा रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? सलाइवा। ये तो हम लोग पढ़े थे। और वो सलाइवा क्यों रिलीज करती है? इसलिए कि उसके सलाइवा में एंटीकोगुलेटिंग एजेंट है। उस एजेंट का नाम क्या है? उस एजेंट का नाम है एनोफिलिन। क्या नाम है? एनोफिलिन नाम है। समझ में आई बात है? नहीं, और भी एंटीकोगुलेटिंग एजेंट होते हैं। क्लास में हम लोगों ने बात किया था नेचुरल एंटीकोगुलेटिंग एजेंट के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने हिपारिन पे बात की थी। हिपारिन ह्यूमन के पास होता है, ह्यूमन ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में। हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन पढ़े थे, तो वहां पर पढ़े थे एल्बुमिन ग्लोबुलिन प्रोपाडीन हिपारिन, याद है कि नहीं? इसके बाद हम लोगों ने बात किया था लीच की बात की थी, जिसके पास क्या था उसके सलाइवा में हिरुडीन, और फीमेल एनोफिलिस के सलाइवा में क्या होता है? फीमेल एनोफिलिस के सलाइवा में एनोफिलिन। तो जब ये एनोफिलिन यानी सलाइवा छोड़ रही होती है, आप जानते हो फीमेल एनोफिलिस का प्रोबोसिस पेनिट्रेटिंग नेचर का होता है, तो जिस समय वो ह्यूमन को क्या कर रही है? बाइट कर रही है कोई इंफेक्टेड फीमेल एनोफिलिस, तो उस समय क्या छोड़ती है? उस समय रिलीज करती है अपने सलाइवा को, और सलाइवा में क्या रहता है? एनोफिलिन। और साथ में सलाइवा में, चूंकि इंफेक्टेड फीमेल एनोफिलिस है, तो सलाइवा में ढेर सारा सिकल शेप्ड एस्पोरोजॉइट्स होते हैं। क्या होते हैं उनके पास? एस्पोरोजॉइट्स। तो इंफेक्टिव स्टेट क्या हुआ? एस्पोरोजॉइट्स हुआ। प्लाज्मोडियम का इंफेक्टिव स्टेज है एस्पोरोजॉइट्स, जिसको फीमेल एनोफिलिस जब बाइट करती है तो अपने सलाइवा के साथ ह्यूमन के ब्लड में रिलीज करती है। आप याद करो मैंने आपको बताया था कि जब उसको रिलीज करती है और उस कंडीशन में क्या होता है, यह स्पोरोजॉइट ब्लड सर्कुलेशन में आता है, और ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद तब यह लीवर में जाता है और वहां पर अपने साइज को बढ़ाता है, जिसको हम क्रिप्टोजॉइट कहते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन बड़ा ही सीधा है, यहां आगे कुछ पूछा ही नहीं है, यहां तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ध्यान देंगे, पूछता है द इंफेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर्स द ह्यूमन बॉडी इच। बोलता है कि प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज है जो ह्यूमन के बॉडी में इंटर करता है, तो हमारा जवाब क्या होगा? स्पोरोजॉइट। तो यह क्वेश्चन नंबर था 65। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये 65 नंबर क्वेश्चन है, और हमारा जो जवाब होगा स्पोरोजॉइट, और ऑप्शन में सबसे पहला जो दिया है यानी फर्स्ट ऑप्शन दिया है ये स्पोरोजॉइट्स है। क्या है? स्पोरोजॉइट्स। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये सब पढ़ा हुआ है भाई, सब हम लोग देखे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ना है, और ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे एनसीईआरटी के लाइन से है। यानी कि इस बार के जो क्वेश्चन थे आपने देखा, ज्यादा सोचने के लिए है ही नहीं, है ना, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिए जाए, तो आपने देखा एनसीईआरटी के डिस्क्रिप्शन से है, लाइन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67।
कौन सा क्वेश्चन है 67। ये जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, बोलता है सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट, करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। तो चलो बच्चा लोग बस दिमाग में लाना है, एक बार याद करना है कि जब कौन सा फिजिकल चेंज होता है एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, और एनसीईआरटी में आप देखेंगे वहां पे ऑलरेडी फिगर भी बना के समझाया हुआ है। इंस्पायरेशन में क्या होता है, आप देखो जब हम सांस लेंगे तो सांस लेने के बाद क्या होगा, हमारा जो लंग्स है लंग्स में एयर जाएगा, लंग्स की जो साइज है उसमें क्या होता है वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, हाँ है ना। तो उस समय जरूरी है कि हमारा जो थोरासिक केस है उसका डायमीटर बढ़े, भाई एयर अंदर जाएगा तो लंग्स को स्पेस चाहिए, उसको जगह चाहिए। तो उसको जगह को देने के लिए क्या होगा कि जो लंग्स होता है उसको स्पेस देने के लिए यहां पे हमारा पेरिटोनियम है, और वो पेरिटोनियम ऊपर जाके डायफ्राम बना है, यानी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी देखेंगे पेपर में तो क्वेश्चन है ही। देखो ये है लंग्स, ये हुआ लंग्स, ये है लंग्स, और इसके ठीक नीचे यहां पे है डायफ्राम। तो ये डायफ्राम है, ये पेरिटोनियम है, ये लंग्स है, और साथ में यहां पे है रिब्स, ये रिब्स हो गए, ये है रिब्स, ये रिब्स हैं, और बीच में इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये है इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, इंटरकोस्टल मसल्स किसको बोलते हैं, ये दो रिब्स के बीच में होते हैं, दो रिब्स के बीच में है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, एक हो गया एक्सटर्नल, एक हो गया इंटरनल। अब देखो जब हम सांस ले रहे हैं यानी इंस्पायरेशन के टाइम में जब एयर इन करेगा कहां इन करेगा, हमारे लंग्स में। तो जब लंग्स में एयर आएगा तो आप बताओ, एक बात बताओ, यहां पे नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी साइज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो जब इसकी साइज बढ़ेगी तो उस समय जो पेरिटोनियम है, देखो नीचे यहां पे विसरल ऑर्गन है, ये हमारा इंटेस्टाइन, बस सिंबॉलिक फॉर्म में बना दे रहे हैं, स्टमक मान लो इधर विसरल ऑर्गन है, ये वाला पार्ट पेरिटोनियम कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरिटोनियम, और इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं साहब। तो ये डायफ्राम हुआ और ये क्या हो गया, ये पेरिटोनियम हो गया। अब देखो क्या होगा, जब हम सांस लेंगे लंग्स में एयर गया, लंग्स की साइज बढ़ी तो उस समय पेरिटोनियम में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो पेरिटोनियम में कॉन्स्ट्रिक्शन, और क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम होता है वो डायफ्राम में भी कॉन्ट्रेक्शन होगा, और जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो क्या होगा भाई, वो जो है वो ऐसे फ्लैट हो जाएगा, हाँ या ना। और इसके साथ जो अब जो हमारा इंटरकोस्टल मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होगा, अब देखो थोरासिक केज का डायमीटर बढ़ना है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और इंटरनल क्या होता है, रिलैक्स होता है, यानी एक्सटर्नल में कॉन्स्ट्रिक्शन, इंटरनल क्या होगा, रिलैक्स होगा। और साथ में विसरल ऑर्गन थोड़ा सा मूव करते हैं नीचे की तरफ, यानी कि उनका मूवमेंट नीचे होता है, थोड़ा नीचे मूव करते हैं, इसलिए हमारा एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स्ड होता है। चेंज क्या क्या बताया, हमने बताया कॉन्स्ट्रिक्शन टेक्स प्लेस इन द, कहां कॉन्स्ट्रिक्शन टेक्स प्लेस इन द पेरिटोनियम, डायफ्राम, डायफ्राम में भी क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और क्या होगा, और साथ में क्या होगा, विसरल ऑर्गन मूव्स डाउनवर्ड, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंटरनल रिलैक्स करेगा। तो जो मैंने कहा उससे मैं लिख दे रहा हूं, और लिखने के बाद देखते हैं, चलो मैच कराते हैं कौन सा सही हो रहा है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा पहला डायफ्राम में क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दूसरा मैंने क्या बताया,
दूसरा जो इंटरकोस्टल मसल्स की बात कर रहे हैं उसकी बात करें, लेकिन साथ में यहां पे और देखेंगे और क्या हो रहा है, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम में क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, और क्या हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, कोस्टल मसल्स में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और साथ में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या हो रहा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, यानी रिलैक्स हो रहा है, ये रिलैक्स्ड। अब चलो अब आंसर फटाफट मिल जाएगा हमें, अब हमें देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर है ये 67, कितना नंबर है 67, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, तो इंस्पायरेशन के टाइम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं डायफ्राम में, मैच किया कि नहीं किया, किया ना। दूसरा कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, आप देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो इस तरह से इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन कह रहा है पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये कैसे होगा, जब आप सांस लोगे तो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना, हाँ या ना, तो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन दिया उसके बेस पे अगर देखा जाए तो उसके बेस पे आप देखोगे तो हमारे पास जो ऑप्शन ए और बी है, यानी ए और बी ये दोनों का दोनों सही है, जो स्टेटमेंट ए और बी है, इसके बेस पे नीचे आओ तो नीचे जो ऑप्शन लिखा है उस ऑप्शन में लिखा हुआ है आप देखेंगे फोर्थ वाले ऑप्शन में ए एंड बी, तो हमारा ए भी सही है और साथ में बी भी सही है, तो इस तरह से हमारा जो जवाब होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ, तो 67 का फोर्थ होगा, और 67 के फोर्थ में क्या दिया हुआ है, उसमें दिया है ए एंड बी, ए में क्या दिया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, और बी में क्या दिया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो इस तरह से हमारा दोनों सही है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है और साथ में कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में। तो 67 नंबर जवाब क्या हुआ, जवाब हमारा हुआ कौन सा, हमारा जवाब हुआ फोर्थ वाला ऑप्शन, यानी ए एंड बी। इसके बाद अब हम आ जाते हैं 69 में, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, सीधे सीधे एनसीईआरटी का लाइन है। 69 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन में पूछता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो ईसीजी का है, तो हम सभी जानते हैं जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ईसीजी का वो किसके लिए होता है, वो होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स के लिए, तो किसके लिए होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और ऑप्शन नंबर दो में ऑलरेडी दिया हुआ है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो ये एकदम क्लियर, ये सीधा है, हम सभी जानते हैं, याद करें पी क्यू आर एस टी अलग अलग वेव था जिसमें से दिया हुआ था सबका फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा था क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसके लिए, फॉर द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, और पी के लिए क्या देखा था डीपोलराइजेशन ऑफ द ऑरिकल। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बोलता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये जो क्वेश्चन है ये दिया है केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर से, इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं 72, क्वेश्चन नंबर 72 में हमें बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, पहला है फर्स्ट है क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बताना है सही। अब इसमें जो सबसे पहला है वो पहला क्या है, ग्लूकागन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसीमिया, पहला है ग्लूकागन एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा है इंसुलिन एक्ट्स ऑन
पैनक्रियाटिक सेल सेल्स एंड एडिपोसाइट्स एडिपोसाइट्स। तीसरा है इंसुलिन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। और बेटा चौथा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एस्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, ये चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला है ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया। सेकंड है इंसुलिन एक्ट्स ऑन पैंक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट्स। और थर्ड है इंसुलिन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। और फोर्थ है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही हो सकता है। अब इसमें सबसे पहला है ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया। अब ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन का काम है ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना। तो जब ग्लूकागॉन का काम है ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना, तो आप ही बताइए कि इसका रिलेशन हाइपरग्लाइसीमिया से होगा ना। जब भी ग्लूकोज बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। यहां ऑप्शन में क्या करा? ऑप्शन में करा एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, तो ये तो होगा नहीं, ये तो ऐसे ही चला गया। बोलता है इंसुलिन एक्ट्स ऑन पैंक्रियाटिक सेल, इंसुलिन पैंक्रियाटिक सेल पे काम करता है और साथ में एडिपोसाइट्स पे। पैंक्रियाटिक सेल पे काम कैसे करता है? हम लोग तो जानते हैं इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज को घटाना। तो ये कैसे घटाता है ग्लूकोज को? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन के रेट को घटाता है। दूसरा क्या करता है? दूसरा हमारे बॉडी के सेल में ग्लूकोज के परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी ज्यादा ग्लूकोज का यूज कराता है। हाँ है ना। तो ये पैंक्रियाटिक सेल पे काम कहां करता है? और तीसरा काम क्या करता है? ये लीवर में ग्लाइकोजन फैट प्रोटीन के सिंथेसिस के रेट को बढ़ाता है। तो आप देखें तो यानी कि ये वाला जो दिया हुआ है कि पैंक्रियाटिक सेल पे एक्ट करता है, ये वाला भी गलत हो गया। अब कह रहा है इंसुलिन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, तो इंसुलिन क्या कर रहा है? ब्लड में ग्लूकोज को घटा रहा है ना, तो यह हाइपरग्लाइसीमिया के साथ कैसे एसोसिएटेड हुआ? ये जब ग्लूकोज को घटा रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया के साथ एसोसिएटेड होगा। इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज को घटाना, तो इसलिए जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये भी गलत हो गया। अब कहता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। हां साहब ये बात सही है, आप जानते हो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? जो ग्लूकोज कंटेंट से, यानी कि जैसे मान लीजिए आप जानते हैं अगर ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बने तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बोलते हैं कि नहीं बोलते? यहां पे क्या है? यहां पे कह रहा है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये बात हम लोग पढ़े इसके फंक्शन में कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का और काम क्या है? आप जानते हैं इसे कॉर्टिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टिसोल। ये क्या करता है? ये इम्यूनो सप्रेटिव होता है, हम सभी जानते हैं। और क्या करता है ये एंटी अर्थराइटिक होता है। कैसा होता है? एंटी अर्थराइटिक। तो ये सारा फंक्शन हम लोग इसका पहले से पढ़े हुए हैं। तो हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो सही जवाब कौन सा होगा इस क्वेश्चन के लिए? हमारा जो सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा? 72। तो 72 का सही जवाब ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ वाला, यानी चौथा ऑप्शन सही है। अब चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74 वाला जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट है, इसको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। यहां पे दो कॉलम है, एक तरफ एनिमल है और दूसरे तरफ आप देखिए दूसरे तरफ क्या है, इनके कुछ फीचर्स के बारे में दिया हुआ है। आपको क्या करना है? आपको उनको मैच कराना है। तो चलो देखते हैं। कॉलम फर्स्ट है, पहला वाला फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट। हम क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है? मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन बताना है। तो ए में 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट। बी में कहता है हेटेरो सर्कल कॉर्डल फिन,
कॉडलफिन, सी में बोलता है एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर, और डी में बोलता है पॉइजन, पॉइजन स्टिंग। कॉलम सेकंड में देखा जाए तो फर्स्ट है, फर्स्ट में है ट्राइगन, ट्राइगन। सेकंड की बात करें साइक्लोस्टोम्स, थर्ड की बात करें तो कॉन्ड्री चाइट्स है, और अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में देखें तो ऑस्टियोचाइट्स है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले आप देखो पॉइजन स्टिंग, पॉइजन स्टिंग किसके पास होता है, ट्राइगन के पास। आप सबको पता है पॉइजन स्टिंग किसके पास होगा, ट्राइगन के पास, तो ये इसके साथ मैच कर गया। साइक्लोस्टोम्स का फीचर क्या है, तो साइक्लोस्टोम्स के जो फीचर हैं 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट, तो ये साइक्लोस्टोम्स के फीचर हो गए, और पॉइजन स्टिंग किसके, ट्राइगन्स के फीचर हो गए। इसके बाद अगर हम देखें तो जो कॉन्ड्रीचाइट्स हैं, कॉन्ड्रीचाइट्स के पास क्या होता है, इनके पास कॉडल फिन होता है, तो ये हो गया जो कॉन्ड्रीचाइट्स हैं उनका फीचर। और एयर ब्लैडर की बात की जाए तो आपको पता है जो एयर ब्लैडर होगा ये किसका फीचर होगा, एयर ब्लैडर जो है ये फीचर होगा जो ऑस्टीचाइट्स हैं उनका, तो ऑस्टीचाइट्स का फीचर हो गया। तो हम यहां पे देखें तो ए वाले का जो ऑप्शन है, ध्यान देंगे, ए से मैच करेगा हमारा सेकंड, और बी से कौन कर रहा है, थर्ड, और अगर सी से देखें तो फोर्थ, और डी से देखें तो फर्स्ट। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो फोर्थ वाला है, जिसमें क्या दिया हुआ है, ए सेकंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, और डी फर्स्ट, तो ये हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा क्वेश्चन, सॉरी 76 बोटनी का है, 77 की बात करें, 77 ये एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन है, पूछता है क्यूबॉइडल एपिथीलियम, क्यूबॉइडल एपिथीलियम विद ब्रूस बॉर्डर माइक्रोविलाई, ब्रूस बॉर्डर माइक्रोविलाई के साथ क्यूबॉइडल एपिथीलियम कहां पे होगा, समझ में आई बात है नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 77, कौन सा है, 77 है। तो ये पूछ रहा है कि क्यूबॉइडल एपिथीलियम होगा और कहां, ब्रूस बॉर्डर के साथ, तो ये हो गए क्यूबॉइडल एपिथीलियम, और क्यूबॉइडल एपिथीलियम जो है ये बोल रहा है ब्रूस बॉर्डर के साथ कहां पे होंगे, ऐसे क्यूबॉइडल एपिथीलियम विद ब्रूस बॉर्डर। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सीधा सीधा, और एनसीईआरटी का लाइन भी है, तो यहां पे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, यहां नहीं होगा, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल, हां साहब हम लोग पढ़े हैं पीसीटी में होता है, पीसीटी में क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है विद ब्रूस बॉर्डर होता है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, 77 का सेकंड, सेकंड होगा 77 का कौन सा, सेकंड, यानी कि क्या, पीसीटी, ठीक है। तो 77 का जो सही जवाब है वो क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जानते हैं, इसको हम लोग याद भी रखते हैं हमेशा, ये जीके टाइप का क्वेश्चन है जो अक्सर कई बार हम लोगों को टेस्ट में भी आप देखे होंगे, टेस्ट पेपर में कई बार मिला है। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, एनिमल के बॉडी में क्या है, तो हम सबको पता है कोलेजन जो होता है, कोलेजन मोस्ट अबाउंडेंट, मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन है, प्रोटीन है इन एनिमल बॉडी, यानी इन द एनिमल, इन द एनिमल, एनिमल बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो कौन है, वो है कोलेजन। तो ये सीधा है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, 84 क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, ये क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल से है, और ये क्वेश्चन सीधा यह भी आप देखेंगे, आपने ग्राफ देखा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वहां से ये क्वेश्चन है, बोलता है कि विच ऑफ द
फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम यानी ओव्यूलेशन की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल. ओके, अब यहां पे बच्चा लोग एक बात दिमाग में रखना है कि हमें दो चीज के ऊपर ध्यान देना है. पहला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम यानी ओव्यूलेशन कौन कराएगा, और दूसरा कह रहा है फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल. इस लाइन पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया होगा. अब देखिए, हम सभी जानते हैं ओव्यूलेशन कौन कराता है, LH. तो पहले तो हमारे दिमाग में वही आएगा कि LH कराता है, लेकिन जरा सोचिए यहां पे क्वेश्चन पूरा पढ़िए क्या दे रहा है. फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल है ना, और साथ में कह रहा है रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल, तो कौन कराता है? LH कराता है. सबको पता है कि भाई ग्रेफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज होती है और उसको कौन कराता है? LH कराता है. अब चलो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में क्या है, कहीं भी हाई लेवल ऑफ LH दिया ही नहीं है. सबसे पहला दिया हाई कंसेंट्रेशन यानी प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ना, पहला दिया है हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. दूसरा दिया है लो कंसेंट्रेशन ऑफ LH. तीसरा दिया है लो कंसेंट्रेशन ऑफ FSH. और चौथा दिया है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन. चलो बेटा देखते हैं. सबसे पहले है कारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होगा, यह गलत बात है. प्रोजेस्टेरोन कब बनता है? ओवुलेशन के बाद. कैसे बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम से. तो हाई लेवल कब बढ़ेगा? ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा. तो इस तरह से ये वाला एकदम गलत हो गया. लो LH, LH तो ओवुलेशन कराता है, लो LH कैसे हो सकता है? हाई LH होना चाहिए, यह भी गलत हो गया. लो FSH, ये आपको कंफ्यूज जरूर किया होगा लो FSH, लेकिन NCERT का लाइन देखिएगा. एट द टाइम ऑफ मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द लेवल ऑफ, ध्यान से देखेंगे, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड LH क्या होता है, वहां पे दिया होगा, साथ में लिखा होगा लेवल ऑफ FSH एंड LH एट पीक लेवल लिखा होगा, यानी उस समय बढ़ा रहता है. तो चलिए इसको थोड़ा सा हम आपको याद दिलाना चाहते हैं. आप याद करें प्रोलीफरेटेड फेज को हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे ही ब्लीडिंग समाप्त होने के बाद फीमेल में लेवल बढ़ता है FSH का. हाँ या ना, यानी हम अगर बात करें प्रोलीफरेटेड फेज का, तो उस समय FSH का लेवल बढ़ता है. और FSH क्या करता है? FSH आके ग्रेफियन फॉलिकल का मैच्योरेशन कराता है, यानी FSH का लेवल बढ़ रहा है, ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, और ग्रेफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलता नहीं, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता. आप देखोगे NCERT में जो ग्राफ बना वहां पर भी आपको दिखाई देगा. एस्ट्रोजन का लेवल जो हाई रहता है वो LH सर्ज कराता है, यानी LH को रिलीज करवाने में वो मदद करता है, और साथ में जब LH आएगा तो LH आके मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर करता है, वो रिलीज होती है. तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन क्या कराएगा? LH सर्ज कराएगा, ओवुलेशन में हेल्प करता है. कैसे? जब अगर एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे नहीं रहेगा तो LH बढ़ेगा नहीं, और LH बढ़ेगा नहीं तो वो आकर के क्या करेगा? ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर नहीं करेगा. समझ में आई बात है? आई तो हमारा जो सही जवाब है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, यानी कि 84 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन, हाई क्या? एस्ट्रोजन लेवल. और मैंने जैसा कहा कि इसको आप देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा. आप FSH को देख के कंफ्यूज मत होंगे, ग्राफ देखिएगा वहां भी जवाब मिलेगा. और ठीक बगल वाले पेज पे NCERT ने मेंशन भी किया है कि उस समय पीक लेवल रहता है किसका? FSH का, और साथ में LH का. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन का. तो ये क्वेश्चन नंबर 84, जवाब क्या हमारा फोर्थ हुआ. 85 की बात करें, 85 नंबर क्वेश्चन, ये इवोल्यूशन से आया हुआ क्वेश्चन है. इसमें पूछता है फ्लीपर्स
ऑफ पेंगुइन पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो चलो भाई, फ्लिपर्स जो होता है पेंगुइन का और डॉल्फिन का, ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं किसके। तो आप पहले ये बताओ कि ये होमोलोगस ऑर्गन है कि एनालोगस ऑर्गन। हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि होमोलोगस ऑर्गन के केस में इवोल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। कैसा होता है, डाइवर्जेंट। याद है ना, जैसे मान लो ह्यूमन हुआ, उसने अपने फोर लिम्स का यूज करी कुछ पकड़ने के लिए, वही फोर लिम्स आप देखो बैट के केस में क्या हो गया, बैट के केस में क्या हो गया, उड़ने में मदद कर रहा उसको। हॉर्स के केस में क्या हो गया, रनिंग में मदद कर रहा उसको। और बर्ड्स के केस में क्या हो गया, बर्ड्स के केस में विंग हो गया, यानी बर्ड्स के केस में उड़ रहा है, एरियल एडेप्टेशन में हेल्प कर रहा है वो। तो यह होता है किस में, अगर होमोलोगस ऑर्गन हो तो। और अगर एनालोगस हो, एनालोगस में हम ये देखते हैं कि साहब एनालोगस में क्या हो जाता है, सिमिलर एडेप्टेशन के लिए अलग अलग जगह पे थे और सिमिलर एडेप्टेशन एक जगह आए, इन्होंने क्या किया, अपने डिफरेंट ऑर्गन का सिमिलर यूज करने लगे। और यहां पे देखिए आप जो एग्जांपल है उसके ऊपर गौर कीजिए, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये है जो एग्जांपल है वो कैसा है, वो एनालोगस ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, एनालोगस। और एनालोगस ऑर्गन जो होता है वो किसका एग्जांपल होता है, वो होता है कन्वर्जेंट का। किसका, कन्वर्जेंट का। तो आप देखें यहां पे ये एग्जांपल है किसका, कन्वर्जेंट का। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समझ में आई बात या नहीं। तो हमारा जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 85 का। ये कौन सा है, 85, ये क्वेश्चन नंबर है 85। तो 85 का जो सही जवाब है, 85 का है हमारा सही जवाब फर्स्ट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो जूलॉजी वाले क्वेश्चन से आया है वो 87 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, 87 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साहब सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो देखिए बोलता है कि सारा क्वेश्चन आपको बताना है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्रांसमिटेड डिजीज। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए गोनोरिया के बाद मलेरिया, जेनाइटल हार्पिस, मलेरिया। मलेरिया साहब कब से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, तो ये तो गलत है। दूसरा है एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया, मलेरिया और फाइलेरिया, यहां भी देखिए मिक्स कर दिया, ये दोनों ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तीसरे में कैंसर, एड्स, सिफिलिस, यहां भी गलत हो गया, चूंकि जो कैंसर वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। चौथा में गोनोरिया, सिफिलिस और जेनाइटल हर्पिस, हां चौथा एकदम सही है, जिसमें गोनोरिया जो निजेरिया गोनोरी से होता है, साथ में सिफिलिस ट्रोपोनिमा पैलिडम से होता है, और जेनाइटल हर्पिस, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, तीनों के तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो 87 नंबर क्वेश्चन है उसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ वाला। अब चलिए इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में कॉलम है, उसको आपको मैच कराना है। कॉलम फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट है, इधर हो गया कॉलम सेकंड, ये सेकंड हो गया। पहला वाला इधर देखें, फर्स्ट वाला योसिनोफिल्स लिखा हुआ है, सेकंड वाला में बेसोफिल्स लिखा है, बेसोफिल्स, थर्ड में आप देखें न्यूट्रोफिल्स, और फोर्थ में आप देखें तो फोर्थ में है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। हम अगर इधर देखें तो इधर देखिएगा, सबसे पहला वाला में दिया है इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा वाला तो बोलता है फैगोसिटिक,
फाइगोसिटिक। तीसरा वाला बोलता है रिलीज हिस्टामाइंस रिलीज हिस्टामिनेस डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। और फोर्थ वाले में बोलता है रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फैगोसिटिक तो उसको ढूंढना एकदम आसान है। न्यूट्रोफिल्स कैसा होता है फैगोसिटिक पे, इसमें कुछ सोचना नहीं है, सीधे मैच हो गया साहब। आप देखिए सबसे पहला मैच हो गया किसके साथ, सबसे पहला फैगोसिटिक के साथ, कौन सा, न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद अगर हम एस्नोफिल्स की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एस्नोफिल्स क्या करता है, ये माइक्रोब्स को किल करता है और ये क्या करता है, यह हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करता है। तो इसका इसके साथ मैच हो गया, किसके साथ, ए का किसके साथ, थर्ड के साथ। अब इसके बाद बी का हम लोग करा चुके हैं, नहीं बी नहीं कराए हैं। बी का काम क्या, बी बेसोफिल्स है, तो हम सभी जानते हैं बेसोफिल्स क्या करता है। आप याद करो ये हमारा ब्लड वेसल्स हुआ, यहां पे टिश्यू हुआ, यहां माइक्रोबियल इंफेक्शन हुआ, माइक्रोबियल इंफेक्शन के बाद यहां एंटीजन है, तो होता क्या, यहां पे डायपेडसिस होगा डब्ल्यूबीसी का, ताकि क्या किया जाए, माइक्रोब्स को किल किया जाए और साथ में यहां पे जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई जाए। तो बेसोफिल्स क्या करता है, बेसोफिल हिस्टामिन रिलीज करता है जो वेजोडायलेटर होता है, और ये क्या करता है, डायपेडसिस के रेट को बढ़ा देता है एट द साइट ऑफ इंफेक्शन। ये हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से बेसोफिल्स का काम क्या है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मास्ट सेल भी बोलते हैं। किसका, हमारा जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है उसमें यह मास्ट सेल भी कहलाता है, कौन, बेसोफिल्स। तो इसलिए इसका इसके साथ मैच हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स का फेगोसिटिक हो ही गया और लिम्फोसाइट्स इम्यून रेस्पॉन्स हम सभी जानते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मैचिंग हो गया। और आप देखें ये मैच कौन करा रहा है भाई, तो मैच करा रहा है ऑप्शन नंबर फोर। कौन करा रहा है, ऑप्शन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जवाब है ऑप्शन नंबर फोर, यानी जो 88 है, 88 का जो जवाब होगा वो कौन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर फोर। ये हुआ 88 और 88 का फोर्थ ऑप्शन सही है। और फोर्थ में क्या है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। ओके, तो इस तरह से मैचिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड ए सिलोमेट एनिमल आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय, ये फीचर है प्लेटी हेलमेंथिस का, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो 92 बायलेटरल लेटरली सिमेट्रिकल और साथ में ए सिलोमेट कौन है, तो जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, प्लेटी हेलमेंथिस हम सभी जानते हैं, प्लेटी हेलमेंथिस सही जवाब होगा। तो चलिए प्लेटी हेलमेंथिस हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 क्या देखा जाए, 93। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 93 इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बोलता है 93, ये क्वेश्चन आया है केमिकल कोऑर्डिनेशन और साथ में हम कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी ये जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ये दोनों जगह से चुके हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायोरेसिस, बोलता है इसमें से कौन डायोरेसिस को प्रिवेंट करेगा। 93 साहब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायोरेसिस। तो डायोरेसिस क्या है, अगर यूरिन का अमाउंट बढ़ जाए, यानी हमारा यूरिन, अगर यूरिन का अमाउंट कब बढ़ेगा, जब यूरिन डायल्यूटेड हो जाए। डायल्यूटेड कब होगा, जब यूरिन में वाटर बढ़ जाए। एक आदमी एक दिन में 1.5 से 3 लीटर यूरिन रिलीज करता है, हमारा जो यूरिनरी ब्लेडर है ध्यान देंगे तो एक आदमी एक दिन में 1.5 से 3 लीटर पर डे
एक दिन में यूरिन रिलीज करता है। अगर इसका अमाउंट बढ़ जाए तो उसे हम डायलिसिस कहते हैं। और ये अमाउंट कब बढ़ेगा? जब यूरिन डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायलिसिस। कौन है जो डायलिसिस को प्रिवेंट करेगा? हाँ या ना? यानी यूरिन के अमाउंट को घटाएगा, यानी यूरिन को डाइल्यूटेड नहीं बनाएगा। अब पहला, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एन ए प्लस एंड वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। हम लोग पढ़े हैं आरएएस सिस्टम, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा का पूरा जो किडनी है, किडनी से क्या निकलेगा? रेनिन निकलेगा। रेनिन आके वर्क करेगा किस पे? एंजियोटेंसिनोजेन पे। एंजियोटेंसिनोजेन ब्रेक होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में लंग से फिर एंजाइम निकलता है, क्या करता है? एंजियोटेंसिन सेकंड बनाता है। और एंजियोटेंसिन सेकंड किस पे वर्क करता है? जोना ग्लोमेरुलोसा पे। जो क्या करता है? वहां से रिलीज कराता है किसको? मिनरलो कॉर्टिकॉइड को। और मिनरलो कॉर्टिकॉइड आके डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में एनए प्लस और सीएल माइनस के रीअब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। तो जब साहब यहां पे कुल मिला के अगर हम कहें तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा एनए प्लस और सीएल माइनस, एनए प्लस और सीएल माइनस के रीअब्जॉर्प्शन के रेट को अगर बढ़ा देगा तो देखिए क्या होगा। अगर इसके एनए प्लस और सीएल माइनस के रीअब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा तो हमारा जो ब्लड होगा, ब्लड में साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और जब ब्लड में साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उस समय क्या होगा? होल्डिंग कैपेसिटी वाटर की बढ़ेगी। और जब वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी वाटर ज्यादा हमारे बॉडी में रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आप ऐसे समझो कि यहां पे एनए प्लस सीएल माइनस का रीअब्जॉर्प्शन जब बढ़ेगा तो यहां पे मीडियम कैसा होगा? हाइपरटोनिक होगा। और यहां डिमांड बढ़ेगा किसका? वाटर का। और उस समय क्या होगा? एडीएच रिलीज होगा। और एडीएच क्या करेगा? यहां पर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो यूरिन कैसा हो जाएगा? यूरिन उस कंडीशन में कंसंट्रेटेड हो जाएगा। हो जाएगा कंसंट्रेटेड। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो फेवर करता है। मतलब क्या है? जो हम पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायलिसिस, तो पहला यानी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एनए प्लस एंड वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। आप समझिए बात को, जब यहां पर रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका? एनए प्लस और सीएल माइनस और साथ में वाटर का। तो जितना ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहां पर होगा, यहां पर क्या होगा? यहां पर वाटर का अमाउंट घट जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में वाटर जब घटेगा तो यूरिन में वाटर का अमाउंट घटेगा, यूरिन डाइल्यूटेड नहीं रहेगा, यानी यह डायलिसिस का फेवर नहीं करता है। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं। एएनएफ फैक्टर कॉजेज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, गलत बात है। वेजो डायलेशन करेगा। डिक्रीजेज इन सिक्रीशन ऑफ द रेनल बाई जेजी सेल, ये भी गलत है, नहीं होगा। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन, बाई अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा थोड़ा ना, तो घट जाएगा ना। यह क्या कह रहा है यहां पे? ये वाला पार्ट आपको कंफ्यूज किया होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन आप पढ़े होंगे तो हो सकता है आप में से कुछ लोग उसको टिक भी मार दिए होंगे, लेकिन याद रखना है अंडर सिक्रीशन, एडीएच घटेगा तो रीअब्जॉर्प्शन घटेगा, और जब रीअब्जॉर्प्शन घटेगा तो यूरिन का अमाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी डायलिसिस होगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या कर रहा है? डायलिसिस को फेवर कर रहा है। यहां पर बोल रहा कौन फेवर नहीं करेगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। आप समझ रहे हो ना भाई? जब एडीएच घटा तो एडीएच जब घट जाएगा तो क्या होगा? एडीएच के घटने के बाद जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन का रेट क्या होगा? वाटर के रीअब्जॉर्प्शन का रेट अब घट जाएगा, यानी यहां पे वाटर कम रीअब्जॉर्ब होगा। तो जब कम होगा तो यहां पे क्या होगा? वाटर का अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब बढ़ेगा तो यूरिन में क्या होगा? वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी इसे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 93, उसका जवाब क्या होगा? फर्स्ट, यानी 93 का फर्स्ट वाला सही है। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 94 डायरेक्ट दिया हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं हम लोग। 94 में क्या है कॉलम? इस बार कॉलम वाले क्वेश्चन आप देखेंगे ज्यादा आए हुए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था कि जिसमें आपका दिमाग जो है ज्यादा लगाना पड़ा हो। कॉलम फर्स्ट है और ये जो क्वेश्चन है ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से है। इसमें आप देखिए पहला वाला में क्लॉस्ट्रिडियम बुटिलिकम, बी वाला में है ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम, सी वाला में है मोनस्कस परपुरियस, और डी वाला में है एस्परजीलस निगर। इधर जो दिया है कॉलम फर्स्ट,
ये तो था फर्स्ट वाला, इधर सेकंड है। सेकंड में दिया है साइक्लोएस्पोरिन ए, इसके बाद है ब्यूटेरिक एसिड, फिर इसके बाद दिया है साइट्रिक एसिड, इसके बाद दिया है ब्लड कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट। ओके, ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट। तो चलो मैच कराते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, किसकी बात करें, जो क्लोस्टीडियम ब्यूटेरिकम है उसकी बात करें, तो ब्यूटेरिक एसिड आप जानते हैं, तो इसके साथ इसका मैच हो गया। दूसरा वाला है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम, अगर इसको हम देखें तो यह मैच होगा साइक्लोस्पोरिन, आप जानते हैं, ए के साथ। इसके बाद आप देखें जो थर्ड है मोनस्कस परप्यूरियस, ये अगर हम देखें तो आप सबको पता है कि मोनस्कस परपूरियम जो क्या करता है, ये ब्लड के कोलेस्टेरॉल लेवल को घटाने वाला एजेंट। इसके बाद हम बात करें एस्परजिलस नीगर, तो ये तो सबको याद होगा, एस्परजिलस नीगर जो है ये साइट्रिक एसिड क्या बनाएगा, साइट्रिक एसिड। तो इस तरह से हम देखें तो हमारा जो करेक्ट मैचिंग होगा वो ऑप्शन नंबर 94 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ ये मैच कर रहा है, जो फर्स्ट होगा वो सही होगा। फर्स्ट में दिया हुआ है, जो सेकंड है वो ए, जो फर्स्ट है वो बी, और उसके बाद जो फोर्थ है वो सी, फोर्थ है वो सी, और थर्ड है वो डी। तो हमारा जो सही जवाब है वो फर्स्ट है, और ये बिल्कुल सीधा है, इसमें कुछ समझना नहीं है। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है। आप देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैनॉट कंसीव। तो हम सभी जानते हैं कि इसमें जो है टेस्ट ट्यूब बेबी की बात हो रही है, और टेस्ट ट्यूब बेबी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यानी कि बोल रहा है कि साहब अगर कोई लेडी कंसीव नहीं कर रही है तो इसमें कौन सा टेक्निक हम यूज करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, इसमें मेल और फीमेल गैमिट का फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर कराते हैं, बाहर करा करके क्या करते हैं, यहां पर डिवीजन कराते हैं, और डिवीजन कराने के बाद आप जानते हैं अगर ये 8 सेल तक है तो हम इसे उठाते हैं और उठा करके ट्रांसफर कर देते हैं। कहां पे ट्रांसफर करते हैं, इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, और इसको हम बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर मोर देन 8 सेल है, मोर देन 8 सेल है, तो इसे हम उठा करके और यूटरस में ट्रांसफर करते हैं, और इसे हम बोलते हैं IUT, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। हाँ यार, तो ये दो टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं, बाकी आप जानते हैं इसमें फर्स्ट में दिया गिफ्ट, उसका यूज नहीं होगा, क्योंकि साहब ये कह रहा है कि ऐसे फीमेल के लिए हमको यूज करना है, एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है जो क्या करे, जो कंसीव नहीं करे। तो हमारे पास जवाब क्या होगा, हमारा गिफ्ट, और क्या जवाब होगा, IUT। तो ये दिया है फोर्थ वाले में, किसमें दिया है, फोर्थ। तो 96 का जो सही जवाब होगा वो कौन होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद 98 की बात करें, किसकी बात करें, 98। तो 98 जो है, इसमें बोलता है स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू, देखिए जो अंटार्कटिक रीजन है वहां पे क्या होता है, यूवी रेडिएशन के कारण, यूवी रेडिएशन होता है, और उस यूवी रेडिएशन के कारण जो कॉर्निया उसमें इंफ्लामेशन हो जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू,
और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में अब है कि पहला वाला जो ऑप्शन है, मैं ये बोल रहा था कि अंटार्कटिक रीजन में क्या होता है, वहां पे यूवी रेडिएशन, और यूवी रेडिएशन के कारण क्या होता है, जो कॉर्निया इन्फ्लामेटेड हो जाता है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो इसमें अब आप देखें और ऑप्शन जो दिया हुआ है स्नो ब्लाइंडनेस में, तो सबसे पहला ही दिया इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवी रेडिएशन। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा 98 का, यानी हाई डोज ऑफ यूवी रेडिएशन के कारण क्या होता है, जो कॉर्निया उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे हम स्नो ब्लाइंडिंग बोलते हैं, ब्लाइंडनेस बोलते हैं, किसमें, अंटार्कटिक रीजन में बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, 99 वाला क्वेश्चन आप देखें, केमिकल कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, एकदम सीधा सीधा है। यहां भी कॉलम को मैच कराना है, पहला है पिट्यूटरी, दूसरा है थायराइड ग्लैंड, थायराइड पहला हो गया पिट्यूटरी, दूसरा थायराइड, तीसरा एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, और चौथा है पैंक्रियाज। इधर हम कॉलम सेकंड की बात करें तो यहां है ग्रेव्स डिजीज फर्स्ट में, दूसरा है डायबिटीज मेलाइटस, तीसरा है डायबिटीज इंसिपिडस, और चौथा है एडिसन डिजीज। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें एक एक के बारे में बात करते हैं कि आखिर कौन सा हार्मोन है जिसके कमी से इसमें से बीमारी होती है। तो चलो बाबू, जो ग्रेव्स डिजीज हम लोग पढ़े थे कहां पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे उसको थायराइड के केस में, कहां पढ़े थे, थायराइड के केस में, जो थायरोक्सिन था, हाइपर सिक्रेशन जब थायरोक्सिन का होता था तो उस केस में हम लोग पढ़े थे किसको, ग्रेव्स डिजीज के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एक्सोथैल्मिक गोइटर पढ़ा था। और एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर में क्या पढ़ा था कि अगर ग्वाइटर कोलवाइडल हो या नोडुलर हो, अगर ग्वाइटर है कोलवाइडल है तो हम बोलते थे इसे ग्रेव्स डिजीज, और नोडुलर है तो इसे हम बोलते थे प्लूमर्स डिजीज। क्या बोलते थे, प्लूमर्स। डायबिटीज मेलाइटस किससे होता है, इंसुलिन से। डायबिटीज इंसिपिडस किससे होता है, एडीएच से। और एडिसन डिजीज आप सबको पता है एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलेशन है इसका, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसके साथ इसका रिलेशन है, किसका, एडिसन डिजीज का, जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें हाइपोसिक्रीशन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, तो उससे ये बीमारी होती है। आप याद करें हाइपर से क्या होता था, कसिंग डिजीज, और साथ में कौन सिंड्रोम, कसिंग सिंड्रोम, ये सब होता था हाइपो के केस में होता है। तो चलिए अब हम लोग जान गए इसका रिलेशन एड्रेनल से है, एडीएच कहां से निकलता है, पिट्यूटरी से, तो इसका रिलेशन पिट्यूटरी से है, इसका रिलेशन किससे है, पैंक्रियाज से है, क्योंकि इंसुलिन वहीं से निकलता है, और इसका रिलेशन थायराइड से है। तो ये हो गया थायराइड से रिलेटेड, पिट्यूटरी से रिलेटेड कौन हो गया, पिट्यूटरी से रिलेटेड ये हो गया, एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड कौन हो गया, ये हो गया, और पैंक्रियाज से रिलेटेड ये हो गया। समझ में आई बात या नहीं आई? तो इस तरह से जो सही जवाब है वो सही जवाब हमें मिला, और इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो जो सेकंड वाला है वो सही दिया हुआ है, सेकंड वाले की मैचिंग बिल्कुल वही है जो हम लोगों ने देखा है। तो सेकंड, तो 99 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो कौन है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद 103 देखिए, जूलॉजी का क्वेश्चन है 103 वाले की बात अगर हम लोग करते हैं, 103 ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। बोलता है फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एसएल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन क्लोज फ्लास्क। देखिए आप याद कीजिए उसने क्या किया था, उसने CH4 H2 और NH3 का यूज किया था, किसने, मिलर ने, टंगस्टन वार लिया था, स्पार्किंग कराई थी, आप देखें एनसीईआरटी में फिगर भी बना है, और उसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने पे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन हुआ था। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो बिल्कुल सही है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन आप देखें, 103 में फोर्थ ऑप्शन आप देखिए, वहां पे दिया है CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आपने देखा भी है एनसीईआरटी में इसको डायरेक्टली दिया भी है।
इसके बाद कहता आइडेंटिफाई क्वेश्चन नंबर 106। आप देखें क्वेश्चन नंबर 106, नेक्स्ट क्वेश्चन 106 में आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बोलता है आपको बताना इसमें कौन सा करेक्ट है। पहला बोलता है सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर, ये तो गलत हो गया ना। सिरोसा कहां से इनर मोस्ट लेयर है, तो म्यूकोसा अंदर है, याद है कि नहीं। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों ने क्या देखा था, सिरोसा बाहर है और सबसे अंदर कौन है, म्यूकोसा है। तो जो पहला वाला है कि सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये गलत हो गया। दूसरा इलियम इज द हाईली क्वाल्ड पार्ट, ये सही है। और तीसरा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स राइजेज फ्रॉम डियोडिनम, ये तो गलत है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहां से राइज होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट के पास, हाँ या ना। और फोर्थ है इलियम ओपन इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम याद करें, इलियम ओपन इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम इज द पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ओपन इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या हुआ, तो इसमें जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें अगर आप देखें तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो कंपैरेटिवली सही है, यही करेक्ट है कि इलियम क्वाइल्ड पार्ट होता है किसका, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसका, यह हाईली क्वाइल्ड पार्ट है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 बोलता है ये कॉलम में मैच कराना है आपको, लेकिन ये मैच कराने से पहले हम लोग क्या करें, इसमें जो नाम लिखा है पहला ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई, दूसरा कॉक्लिया, तीसरा ये एबीसीडी करके दिया है, तो इसको ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं। सी में ऑस्टेचियन ट्यूब और डी में स्टेप्स। इधर कह रहा है फर्स्ट में कनेक्ट मिडिल ईयर एंड फारिंक्स। सेकंड बोल रहा है क्वाइल्ड पार्ट ऑफ लैबरिंथ। थर्ड में बोल रहा है अटैच टू ओवल विंडो और साहब फोर्थ में कह रहा है लोकेटेड ऑन द बैसिलर्स मेम्ब्रेन। तो चलो रफली एक काम करते हैं, फटाफट देख लेते हैं, ये हमारा इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर है, आप जानते हो ऐसे कुछ इंटरनल ईयर होगा, ये हमारा कॉक्लिया है और बीच में ऐसे सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, याद करो। बस ऐसे ही खाली आपको समझाने के लिए बना ले रहे हैं, बाकी आपको याद होगा। तो ये यूट्रिकुलस है, ये सर्कुलस है और ये सेमी सर्कुलर कैनाल है और ये कॉक्लिया है। तो अब देखो इसमें कॉक्लिया दिया है तो कॉक्लिया हमको मिल गया। साथ में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की बात करें तो ये आप जानते हो कोक्लिया का जब सेक्शन काटेंगे तो कोक्लिया का सेक्शन काटने के बाद ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो हमारा होता है कहां होता है, स्केला मीडिया में होता है और बेसिलस मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है वो कहां होगा, वो होता है जो हमारा स्केला मीडिया है, यहां पर होता है, स्केला मीडिया में होता है। अब चलो मैच कराते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई अभी मैंने कहा कहां पे होगा, स्केला मीडिया में, बेसिलर्स मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये चलो ये तो मैच हो गया इसके साथ, लोकेटेड ऑन द बेसिलर्स मेम्ब्रेन, आप जानते हो स्ट्रक्चर याद होगा आपको, लोकेटेड ऑन द बेसिलर्स मेम्ब्रेन, याद है ना इंटरनल ईयर ऐसे था ना, ऐसे था कि नहीं था, ऐसे ये ऐसे स्ट्रक्चर था और यहां पे ऐसे ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला एस्केला वेस्टिबुलाई और ये जो पार्ट है यहां पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, यहां पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है, याद है ना। ये हो गया हमारा एस्केला मीडिया का पार्ट, ये हो गया कौन सा, एस्केला टिम्पेनाई। याद करो इसको रेजिनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं, रेजिनर्स मेम्ब्रेन, और इसको क्या बोलते हैं, बेसिलर्स मेम्ब्रेन। बस समझाने के लिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं हम लोग, बैसिलस मेम्ब्रेन याद रखना, ये क्लास नहीं है कि यहां पे हम लोग एक एक चीज को इतना ज्यादा टाइम देके समझेंगे, बस दिमाग में खाली लाओ।
तो ये हो गया बेसलस मेम्ब्रेन और इसके ऊपर क्या ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, तो हमारा मैच हो गया ना। कॉक्लिया ट्विस्टेड पार्ट है आप जानते हो, तो कॉक्लिया क्या हो गया क्वाइल्ड पार्ट हो गया लैबरिंथ का। बोलता ऑस्टियचियन कैनाल या ऑस्टियचियन ट्यूब, आप जानते हो ऑस्टियचियन ट्यूब क्या करता है, मिडिल ईयर को फारिंग से जोड़ने का काम करता है। तो ये हो गया। और स्टेप्स, स्टेप्स क्या है, स्टेप हमारे मिडिल ईयर में है और या के फेनेस्ट्रा ओवलिस के साथ जुड़ा होता है, तो ये आके फेनेस्ट्रा ओवलिस के साथ जुड़ गया। यानी हमारा जो ए है, ए का फोर्थ के साथ मैचिंग हुआ, बी का सेकंड के साथ मैचिंग हुआ और सी का फर्स्ट के साथ मैचिंग हुआ और स्टेप का थर्ड के साथ यानी डी का थर्ड के साथ। अब अगर हम चलो ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर दो वही है जो हम लोगों ने देखा है, तो 113 का सेकंड ऑप्शन सही है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है ना। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछ रहा है बेटा कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के रिगार्डिंग आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट क्या है। याद रखिएगा क्वेश्चन में पूछ रहा है इनकरेक्ट नॉट करेक्ट, तो हमें देखना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं, आपके पास पेपर होगा आप भी देख लो। सबसे पहला बोलता है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड द पैसिव इम्यूनिटी। देखो इनकरेक्ट बताना है, ये तो सही है ना। जब भी क्या होता है बाहर एंटीबॉडी बनाओ किसी को दो, जैसे एंटीविनोम होता है, हाँ है ना, तो अगर हम किसी को दे तो उसे क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे, ये तो सही है। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद ऑप्शन नंबर दो, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रेस्पॉन्स, ये तो गलत बात है। आप जानते हो एक्टिव इम्यूनिटी क्या करता है, टाइम लेता है और रेस्पॉन्स देने में समय लगता है, हाँ या ना। जैसे वैक्सीनेशन, याद करो वैक्सीन देते हैं हम, देते हैं ना एटीन्यूटेड, मान लो माइक्रोब्स वगैरह को डाला या किल्ड माइक्रोब्स को डाला वैक्सीन के लिए, या एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया बॉडी के अंदर या सिंथेटिक एंटीजन को दिया, तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी टाइम लेगा। याद करो हम लोग पढ़े ना बी लिम्फोसाइट्स को, प्लाज्मा और मेमोरी, तो प्लाज्मा पहली बार एंटीबॉडी बनाएगा, हम लोग पढ़े कि नहीं, टाइम लेता है ज्यादा, कितना लेता है 2 वीक का टाइम लेता है, लेता है ना। तो ये क्या है, ये स्लो प्रोसेस है, ये क्विक रेस्पॉन्स नहीं देता, ये तो रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर तो सेकंड वाला ऑप्शन ही मिल गया, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। थर्ड वाले में बोल रहा है फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी। हाँ साहब, हम लोग जानते हैं प्लासेंटा परमिएबल होता है किसके लिए, आईजीजी के लिए, ये बच्चे को मिलता है और साथ में मां के दूध से बच्चा आईजीए लेता है, तो आईजीए ले रहा है वो कैसा है, वो पैसिव इम्यूनिटी है, यानी बना बनाया एंटीबॉडी बच्चे को मिल रहा है, तो ये सही है। बोलता है व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी इज कॉल्ड द एक्टिव इम्यूनिटी, ये भी सही है। तो इसमें गलत बताना था, गलत बताना था, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन यानी 115 जो क्वेश्चन है इसका जो सेकंड वाला है, सेकंड ऑप्शन क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रेस्पॉन्स, ये कैसा है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही पूछ रहा है, तो हमारा सही जवाब सेकंड होगा। 119 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सीधा क्वेश्चन पूछता है, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, हम सभी जानते हैं ये कॉलुमेनर इपिथिलियम होता है, कैसा होता है, कॉलुमेनर इपिथिलियम का मॉडिफाइड फॉर्म है, तो इस तरह से ये कॉलुमेनर इपिथिलियम का मॉडिफाइड फॉर्म है। 119 का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यानी फर्स्ट सही है, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलुमेनर इपिथिलियम, तो 119 का कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 122 इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 122 फिर से कॉलम, मैंने पहले ही बोला कि इस साल कॉलम वाले क्वेश्चन खूब आए हैं, मैच कराने वाले क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। 122 कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, जो फर्स्ट वाला है बोलता है पहला प्लासेंटा, सेकेंड वाला में बोलता है जोना पेलोसिडा, थर्ड वाला है बोलता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और फोर्थ वाला है बोलता है लीडिंग सेल। यहां पे फर्स्ट में है एंड्रोजन, सेकेंड में है एचसीजी और थर्ड में है लेयर ऑफ ओवम और फोर्थ में है लुब्रिकेशन
ऑफ द पेनिस। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले प्लासेंटा है, प्लासेंटा से क्या निकलता है, एचसीजी, याद है ना, एचसीजी निकलता है और ये क्या करता है, ये क्या करता है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ओवरी में उसको मेंटेन करता है और प्रोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके बाद बारी आती है किसकी, जोना पेलुसिडा की, यानी बी वाले की बात आ रही है। तो जोना पेलुसिडा क्या है, ओवम का लेयर है, आप याद करो ओवम जो होती है वहां पे पहला ये जोना पेलुसिडा और उसके ऊपर क्या रहता है, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। तो ये भी हम लोगों को याद है कि ये किसका लेयर है, ये लेयर है किसका, ये ओवम का लेयर है। तो हम इसके साथ मैच करा दें ओवम। इसके बाद खुलता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है भाई, ये इसका नाम एक और है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। और काउपर्स ग्लैंड क्या है, काउपर्स ग्लैंड आप याद करो ये ह्यूमन के यूरेथ्रा में होता है और ये क्या करता है, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का नंबर आपको याद होगा 212 करके याद कर सकते हैं, समानल वेसिकल 2, प्रोस्टेट 1, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड 1 पेयर। और ये रिलीज करता है अपने सिक्रीशन को, इसका म्यूकोइडल सिक्रीशन होता है, ये इजेकुलेशन से पहले रिलीज करता है, मेल के यूरेथ्रा को क्या करता है, लुब्रिकेट कर देता है ताकि जब स्पर्म आए तो फ्रिक्शन के कारण मरे नहीं। तो इट रिड्यूसेस द क्या, फ्रिक्शन, और साथ में इट लुब्रिकेट्स द मेल यूरेथ्रा टू रिड्यूस फ्रिक्शन फॉर द स्पर्म। तो इसका काम हो गया। दूसरा काम, ये फीमेल के वजाइना में जाकर के उसके एसिडिटी को न्यूट्रल करने का काम करता है। और तीसरा काम क्या है भाई, तीसरा काम इसका ये है कि साहब ये क्या करता है, अगर यूरिन थोड़ा सा भी मेल यूरेथ्रा में हो तो उस यूरिन के इफेक्ट को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। तो बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। और लीडिंग सेल आप सभी जानते हैं, इंटरस्टिशियल सेल का नाम लीडिंग सेल है, ये एंड्रोजन रिलीज करता है, यानी मेल का जो सेक्स हार्मोन है उसको रिलीज करने का काम करता है। तो हमारा जो 122 है, 122 में अगर हम देखें तो जो हमारा सही आंसर है वो थर्ड वाला आंसर सही है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 124 का, इसको मिटाते हैं। 124 बिल्कुल सीधा है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के लाइन से है। बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पुट इनटू एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो हम लोग जानते हैं एक्टिवेटेड स्लज का यूज करते हैं इसमें, तो 124 का जो सही आंसर होगा वो एक्टिवेटेड स्लज होगा, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। तो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, ये सीधा है, आप एनसीईआरटी देखेंगे, सेकेंडरी जो दिया हुआ है प्रोसेस उसमें आपको लाइन मिल जाएगा सीधे सीधे एनसीईआरटी में। इसके बाद है द एंजाइम इंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, इंटेरोकाइनेज, इंटेरोकाइनेज एंजाइम, क्वेश्चन नंबर 125 पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है इंटेरोकाइनेज, इंटेरोकाइनेज का काम क्या है। तो देखो इंटेरोकाइनेज निकलता कहां से, हम सभी जानते हैं निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, कहां से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और ये करता क्या है बाबू, ये क्या करता है कि जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजेन, कौन सा, ट्रिप्सिनोजेन नाम की प्रो एंजाइम होती है। प्रो एंजाइम का मतलब इनएक्टिव एंजाइम। ये एंजाइम कैसी है, इनएक्टिव है, इसके ऊपर इंटेरोकाइनेज वर्क करेगा, कौन वर्क करेगा, इंटेरोकाइनेज, और इंटेरोकाइनेज वर्क करके देगा क्या, ट्रिप्सिन, यानी इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो चलो अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है साहब। तो इसमें जो ऑप्शन मैच कर रहा है आप देखो, सबसे पहला ऑप्शन ये दिया है कि ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन। तो हमारा 125 का जो सही आंसर है वो होगा फर्स्ट वाला। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम, फिर से वही आ गया कॉलम को मैच करने वाला, इसको मिटा रहे हैं, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड है ये। क्वेश्चन नंबर आ गया 126, तो क्वेश्चन नंबर 126 कॉलम फर्स्ट, ये दो कॉलम दिया और आपको मैच करा के बताना है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको बताना है किसके साथ सही करेक्शन हो रहा है। ए में दिया है पॉलीफेगस पेस्ट, बी में दिया हुआ है एडल्ट
विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री इसके बाद सी में दिया हुआ है बुक लंग्स और डी में दिया है बायोलुमिनेसेंस इधर दिया है फर्स्ट में एस्टेरियास, सेकंड में दिया है स्कॉर्पियन थर्ड में दिया हुआ है टीनोप्लेना और फोर्थ में दिया है लोकस्टा। तो एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं ना कि ये फीचर किसके साथ मैच करता है। तो देखो जो सबसे पहला है ना उसके साथ जो फीचर है वो होगा क्या, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये हो गया, मैच करेगा किसके साथ, बी के साथ, यानी हम इसको यहां से ऐसे मैच करा देते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड वाले की बात करें, स्कॉर्पियन की बात करें, स्कॉर्पियन का जो है ये बुक लंग होता है इसके पास, तो अगर हम मैच कराएं तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। हम इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट वाला, तो ये मैच होगा किसके साथ, बायोलुमिनेसेंस होता है ये, तो ये हो जाएगा किसके साथ, डी के साथ, यानी यहां डी लिख सकते हैं, यहां पे हम सी लिख सकते हैं, यहां पे हम क्या लिखेंगे, बी लिख सकते हैं। अब बच गया कौन सा, ए, तो यहां पे लिख दीजिए ए, काम खत्म हो गया आपका। अब यहां पे हम देखें तो ऑप्शन हमारा 126 का मैच करता है फर्स्ट। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट 127 नंबर क्वेश्चन, 127 हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर है 127। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोलता है डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बात कर रहा है, और देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इसमें से कौन सा इंडिकेटिव है डायबिटीज मेलाइटस का? तो साहब डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस में हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ग्लूकोज का अमाउंट। और जब ग्लूकोज का अमाउंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यूरिन से ग्लूकोज रिलीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस का सिम्टम क्या है, यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का बाहर आना, यानी ग्लाइकोज्यूरिया, और साथ में कीटोन बॉडी बनने लगता है, यानी कीटोन्यूरिया। यह सिम्टम है। अब इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें देखिए यूरेमिया एंड रेनल कॉलिकुलाई नहीं होगा, यह दूसरा कीटोन्यूरिया एंड ग्लूकोज यूरिया, जिसकी बारे में हम लोगों ने बात की कि साहब जब डायबिटीज मेलाइटस होता है तो क्या होता है, उस कंडीशन में जो यूरिन है उसके थ्रू ग्लूकोज बाहर निकलने लगता है, क्योंकि सबसे पहले हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होगा। हाइपरग्लाइसेमिक याद है ना डायबिटीज मेलाइटस, याद है कि नहीं है, कि एक बार याद दिला दें, डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, बस थोड़ा सा दिमाग में लाओ। डायबिटीज मेलाइटस कब होता है, जब इंसुलिन हमारा घट जाता है, यानी हाइपो इंसुलिन के केस में होता है। अब हाइपो इंसुलिन के केस में होता है तो क्या होगा, इस केस में यह होगा हाइपो इंसुलिन में कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा। ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो पेशेंट को सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया होगा। अभी देखिए हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है, अभी डायबिटीज मेलाइटस नहीं हुआ है, डायबिटीज मेलाइटस लास्ट में होगा। अब क्या होगा, यहां पे जब इंसुलिन घटता है तो इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा तो पता है क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा तो इंटेस्टाइन जल्दी खाली होगा, तो स्टमक भी जल्दी खाली होगा, और पेशेंट को भूख लगेगी खूब ज्यादा, तो पेशेंट को पॉलीफेजिया हो जाता है। पॉलीफेजिया क्या हो जाता है, पॉलीफेजिया। साथ में क्या होगा, होगा ये कि जब ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो उस कंडीशन में ईसीएफ से वाटर ब्लड के अंदर चला जाता है, जिससे क्या होता है, पानी वाटर बढ़ जाएगा कहां पे, ब्लड में, जिससे यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, पेशेंट को डायरेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेसिस। जब पेशेंट को डायरेसिस होगा तो पेशेंट बार बार इमरजेंसी मीटिंग को जाएगा, यानी पेशेंट को क्या हो जाएगा, पॉलीयूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीयूरिया।
और साथ में पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। ये सारे सिम्टम कब? डायबिटीज मेलाइटिस से पहले। जैसे ही ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा अब क्या होगा, यूरिन के थ्रू ग्लूकोज निकलना शुरू हो जाएगा, यानी पेशेंट में ग्लाइकोजूरिया हो जाएगा और साथ में कीटोन्यूरिया हो जाता है, कीटोन बॉडी निकलने लगते हैं यूरिन के थ्रू। तो दिस इज द सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ये भी होगा, ये इनिशियल सिम्टम है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, लेकिन साथ में ये भी होगा, यानी पॉलीफेजिया, पॉलीडेप्सिया, डिहाइड्रेशन, पॉलीयूरिया, डायरेसिस, ये सारे प्री सिम्टम्स हैं। ये पहले से ही सिम्टम अपीयर होंगे और फाइनली अगर पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं करा रहा है तो उसका ग्लूकोजूरिया भी होगा और उसको डायबिटीज मेलाइटिस भी होगा। तो ये तो हो गया, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। देखो साहब, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आया है कहां से? मूवमेंट एंड लोकोमोशन से। जिन लोगों ने बोन के स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा, थोड़ा देखा होगा, उन्हें याद होगा। तो चलिए बात करते हैं, इसमें भी कॉलम है, उसको मैच कराना है। तो सबसे पहला है फ्लोटिंग रिप्स। फ्लोटिंग रिप्स ये क्वेश्चन नंबर 128 है। दूसरा है एक्रोमियन प्रोसेस। तीसरा है स्कैपुला। चौथा है ग्लिनोइड कैविटी। यहां पे देखते हैं, सबसे पहले लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब्स। उसके बाद बात करें, सेकंड है हेड ऑफ द ह्यूमरस, थर्ड है क्लेविकल, फोर्थ है डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम। अब देखो सीधी बात है, हमको क्या करना है, ये जो है इसके साथ मैच कराना है। तो फ्लोटिंग रिब्स क्या है बाबू? हम सभी जानते हैं 12 पेयर रिब्स होता है हमारा, जिसमें 7 पेयर क्या है? ट्रू रिब्स है। 3 पेयर कैसा है? फॉल्स रिब है। और रिमेनिंग 2 पेयर कैसे हैं? फ्लोटिंग रिब्स हैं। जो ट्रू रिब्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा जो वर्टिब्रा है उसके अलग अलग पॉइंट्स निकलते हैं, स्टर्नम पे आकर के क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे जुड़े होते हैं, हाँ या ना? जो फॉल्स रिब है वो क्या करता है, फॉल्स रिब जो होता है 3 पेयर्स, वो निकलते तो अलग अलग वर्टिब्रा से हैं, यानी कहां से निकलते हैं, वो निकलते हैं किससे, 8, 9, 10 T8, T9, T10 से। लेकिन आकर के जहां पे ये कौन सा जो सेवेंथ वाला है, कौन सा जो सेवेंथ वाला हमारा रिब्स आकर के यहां स्टर्नम में जुड़ा, वहीं पे आकर जुड़ जाते हैं। और फ्लोटिंग रिब्स क्या है, ये है T11 और T12। ये निकला तो है यहां अलग अलग वर्टिब्रा से, लेकिन इनकम्प्लीट है, ये पूरी तरह आगे आया ही नहीं है, ये पीछे की तरफ है। और आपको पता है ये किडनी को क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो फ्लोटिंग रिब्स की बात हम करें और इसमें जो दिया है उसी में से हम बात करेंगे। तो डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम, अभी तो मैंने बताया कि फ्लोटिंग रिब्स स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होता, तो ये तो इसके साथ हो गया। इसके बाद अगर बात करें हम दूसरा, लोकेटेड बिटवीन द सेकेंड एंड सेवेंथ रिब, हेड ऑफ द ह्यूमरस की बात हो रही है। तो देखिए ग्लिनोइड कैविटी का होता, आपको पता है ये ह्यूमरस जाकर के ग्लिनोइड कैविटी के अंदर अटैच होता है और ये हमारा जो ज्वाइंट बनता है, शोल्डर ज्वाइंट, उसका फॉर्मेशन होता है यहां पे। तो ग्लिनोइड कैविटी क्या है, हेड ऑफ द ह्यूमरस, इसके साथ मैच हो गया। अब आपका आ गया कौन सा, स्कैपुला यानी सी वाला, और साथ में आपका बच गया एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है, याद रखें ये जो हमारा इधर पीछे स्कैपुला है और यहां पे आ रहा है कौन, क्लेविकल, तो ये हो जाएगा किसके साथ, ये स्कैपुला के साथ हो जाएगा, कौन सा, एक्रोमियन प्रोसेस, किसके साथ, स्कैपुला, ठीक है। तो एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला से और क्लेविकल के साथ मैच हो गया। तो यहां पे क्लेविकल जाके जहां स्कैपुला के साथ यहां पे मैच है। इसके बाद हम बात करें, किसकी बात करेंगे, इसके बाद बात करें हम स्कैपुला का, तो स्कैपुला जो है ये आ गया किसके साथ, ये आ गया फर्स्ट के साथ। तो हमारा जो हुआ वो क्या हुआ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, सेकेंड का किसके साथ, थर्ड के साथ, थर्ड का किसके साथ, फर्स्ट के साथ, और फोर्थ का किसके साथ, सेकेंड के साथ। ओके,
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। 130, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लाइव फॉर अ फ्यू डेज बिकॉज, ये एनसीईआरटी में भी दिया आपने देखा होगा। दरअसल होता क्या है, आप याद करो, जो कॉकरोच है, कॉकरोच का जो नर्व आप देखे होंगे, जो उसका नर्वस सिस्टम है, वो कहां होता है, वो वेंट्रल पार्ट में होता है। कहां पर होता है, वेंट्रल पार्ट में होता है। उसके हेड रीजन में क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम है उसका बहुत ही कम पार्ट होता है। तो अगर आप क्या करो, हेड को काट के हटा दोगे तो उसमें जगह जगह पे आप देखना, जगह जगह पे क्या होते हैं, उसमें गैंग्लियंस होते हैं। तो वो जो गैंग्लियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको काफी समय तक बाकी एक्टिविटीज में उसके हेल्प करते हैं। तो यहां पे दिया है, हेड होल्ड्स ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, बहुत ही कम अमाउंट में उसमें नर्वस सिस्टम होता है, व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा, हम लोग पढ़ते भी हैं कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच का जो वेंट्रल पार्ट है उसमें उसका ये हो गया, उसका बॉडी हम लोग कुछ ऐसे बांटते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है आप याद करो, इसमें हर्ट होता है, इसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनसेज, इसे पेरिकार्डियल साइनसेज कहते हैं, कार्डियल साइनसेज कहते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसमें क्या होता है, विसरल ऑर्गन होते हैं, इसे हम पेरी विसरल साइनसेज कहते हैं, विसरल साइनसेज कहते हैं। और ये जो पार्ट होता है इसमें क्या होता है, इसका न्यूरल पार्ट है, इसे हम पेरी न्यूरल साइनसेज कहते हैं, पेरी न्यूरल साइनसेज। तो इसमें जो नर्वस सिस्टम है इसका कहां है, वेंट्रल पार्ट में है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो सही जवाब है वो कौन सा है, 130 का सही जवाब सेकेंड वाला ऑप्शन है। समझ में आई बात या नहीं आई, तो इस तरह से इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है, सेकेंड वाला। चलिए इसको मिटाते हैं। तो हम लोगों ने आज जो देखा वो क्या देखा, नीट में जो जूलॉजी वाले पार्ट था, जीवन जो कोड था, उसके पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया। याद रखना है कि ये क्लासरूम में हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, यहां पे सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन करना था, इसलिए जितनी जरूरत थी उस पर हम लोगों ने बात की। ठीक है, अब रिमेनिंग चीजें आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में बताई गई हैं, और इससे ज्यादा अगर आपको कुछ पूछना है तो आइए, मोस्ट वेलकम, हम लोग आपका मदद करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।